नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे राजस्थान में तैयार कर रहा है हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रैक जो है वो डेवलप कर रहा है। दरअसल ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। वह रेलवे 59 किलोमीटर का ये जो रेलवे का जो ये टेस्टिंग ट्रैक है जो राजस्थान के जोधपुर मंडल में गुड़ा से थथाना मिठड़ी के बीच यहाँ पर तैयार कर रहा है, जो कि जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। आने वाले सालों में इस ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ अन्य हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। वह रेलवे ने दावा किया है कि इस टेस्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास रेलिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। वैसे हाई स्पीड ट्रैक पर ये जो हाई स्पीड ट्रैक है उसके ऊपर यहाँ पर मेन लाइन 23 किलोमीटर की होगी। गुड़ा में 13 किलोमीटर का एक हाई स्पीड लूप और नवा में 3 किलोमीटर का एक यहाँ पर क्विक टेस्टिंग लूप यहाँ पर होगा। साथ ही मैथ्री में 20 किलोमीटर का एक क्रेविक टेस्टिंग लूप यहाँ पर होगा। वही उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के जो CPRO उनके अनुसार फर्स्ट फेज में हाई स्पीड ट्रैक का काम जो है दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। वही कैप्टन शशि किरण ने बताया कि प्रोजेक्ट अच्छी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक प्रोजेक्ट का सेकंड फेज जो है पूरा हो जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में गर्मी का दिखेगा असर, ज्यादातर इलाकों में 40 डिग्री हुआ है पारा पार। राजस्थान में कई इलाकों में यहाँ पर गर्मी का असर जो है तेजी से दिखना शुरू हो गया है। कई जगह पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार कर जाएगा। ऐसे में लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। वही 16 अप्रैल को हालांकि मौसम करवट बदलेगा, कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार राजस्थान में जताए गए हैं। वही शनिवार को राजस्थान में लोगों को यहाँ पर अप्रैल में ही भीषण गर्मी का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जयपुर हो या फिर जोधपुर हो हर जगह पर दिन का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जयपुर में तापमान 25 से 40 डिग्री के पास रहेगा, जबकि जोधपुर में तापमान जयपुर के तरह ही रहने के आसार हैं। इन दो शहरों के अलावा अधिकांश शहरों में तापमान 40 डिग्री पार जाएगा। वही श्रीगंगानगर में 23 से 42 और चूरू में 23 से 41 और बीकानेर में 26 से 41 और जैसलमेर में 26 से 41, कोटा में तापमान 27 से 42 डिग्री रहेगा। हालांकि उदयपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का पूर्वानुमान है। वही मौसम में नमी की बात करें तो जयपुर में आर्द्रता का स्तर 38% रहा है। वही गंगानगर में 51, चूरू में 44 और जोधपुर में 42 और बीकानेर में 38% और जैसलमेर में 66% यहाँ पर रहा है। वही मौसम विभाग ने देश में मानसून का असर इस बार सामान्य रहने की बात यहाँ पर कही है। वही राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी बारिश सामान्य ही रहेगी, हालांकि कुछ शहरों में मानसून मायूस करने वाला रहेगा। संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर संभाग के सीकर, जयपुर और जोधपुर संभाग के पाली और उदयपुर संभाग के चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़, डूंगरपुर में सामान्य से कम बारिश के आसार जताए गए हैं। यहाँ पर कम बारिश इस बार होने की बात कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में अनकंट्रोल हो रहा है कोरोना, दूसरे दिन भी 3 संक्रमितों की मौत, राज्यपाल भी हुए हैं पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 397 नए केस सामने आए हैं और 3 संक्रमितों की मरीजों की यहां पर मौत हुई है। वही मरने वालों का आंकड़ा भी राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों में चूरू, हनुमानगढ़ और राजधानी जयपुर से एक एक मरीज शामिल है। वही प्रदेश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 1764 हो गई है, जबकि 104 मरीजों को पिछले 24 घंटों में छुट्टी भी मिली है। वही मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के सरकारी जिलेवार रिपोर्ट के मुताबिक कल जो है 7908 मरीजों का टेस्ट यहाँ पर किया गया था, उसमें 300 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जयपुर में सर्वाधिक 85 और जोधपुर में 44, झालावाड़ में 42 और सीकर में 30, उदयपुर में 31, अजमेर में 29 और नागौर में 22 और बाकी जिलों में यहाँ पर जो केस है वो 30 से नीचे यहाँ पर मिले हैं। वह राजस्थान के प्रथम नागरिक राज्यपाल कलराज मिश्र की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजभवन ने ट्विटर पर इसकी ऑफिशियल यहाँ पर घोषणा यहाँ पर की है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के 14 शहरों में अब लौटेगा रेडियो युग, FM फिर गूंजेगा मधुर संगीत। राजस्थान के 14 शहरों में रेडियो का दौर जो है अब एक बार फिर लौटेगा। दरअसल दूरदर्शन रिले केंद्रों में शुरुआत इसकी यहां पर होगी। वही केंद्र सरकार ने देश के 100 FM रेडियो स्टेशन शुरू करने के अंदर देश की यहां पर घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान में 14 स्टेशन जो है शुरू किए जाएंगे। 100 पूरे देश में कहे और 14 इसमें यहां पर राजस्थान में शुरू होंगे। वही दूरदर्शन रिले केंद्रों में यहाँ पर 100 वाट के FM ट्रांसमीटर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें
एफएम रेडियो शुरू हो चुके हैं। इनमें यहाँ पर बस्तर नगर भीलवाड़ा भी शामिल है। फिलहाल टेस्टिंग पर 2 यहाँ पर घंटे चल रहा है। वही एफएम रेडियो शुरू होने से लोगों को न केवल मनोरंजन बढ़ेगा बल्कि उनकी यहाँ पर सरकारी योजना और मनोरंजन और स्वास्थ्य शिक्षा कृषि और यहाँ पर समेत दूसरे रोचक जानकारी जो है सुनने को मिलेगी। वही एफएम रेडियो का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल यहाँ पर ये करेंगे और फिलहाल यहाँ पर प्रतिदिन 2 घंटे सुबह 9:30 के बीच पुराने सदाबहार गाने आप सुन सकते हैं। पॉलिसी चैनल कितने चलेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। वही एफएम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो संगीत और गानवादक जानकारियां और विविध कार्यक्रमों का लाभ होगा। 20 किलोमीटर के दायरे में एफएम सिग्नल यहाँ पर रहेंगे। वह राजस्थान के जिन 14 शहरों में यहाँ पर ये जो रेडियो स्टेशन लगाए जा रहे हैं उनमें बता दें आपको कि भीलवाड़ा है, सूरतगढ़ है, बारा, भादरा और इसके अलावा भीनमाल, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, करणपुर और खाजवाला, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, सुजानगढ़ में एफएम शामिल है। वही एफएम के माध्यम से श्रोता जयपुर व विविध भारती के कार्यक्रम जो है वो सुन पाएंगे।